गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटगांव इलाके में आज आरपीएफ की लाइन में दूसरी मंजिल पर नए बैरक को बनाने के लिए खड़ी की गई करीब 50 मीटर लंबी दीवार और पिलर अचानक बराबर नीचे आ गिरी। अचानक हुए हादसे में आरपीएफ के दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर खड़ी एक स्कूटी भी मलबे में दबी। घायलों को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालांकि हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। हादसे में यहां मौजूद दो जवान सतेंद्र सिंह और यशवीर सिंह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय नीचे बैठकर आरपीएफ के कुछ जवान खाना खा रहे थे। सेटरिंग से जुड़ा काम यहां किया जा रहा था। अचानक दीवार और उसका पिलर भराभर नीचे आ गिरा। 50 मीटर दीवार गिरी है, क्या है पूरा मामला? करीब सुबह 10:30 बजे हमारे दो जवान यहाँ खाना लेने आए थे, तो उसी समय ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन दीवार है की, वो गिर गई, पूरी कॉलम समेत गिर गई और उसमें दो लोगों को इंजरी हो गई है, घायल है। एक के पैर में फ्रैक्चर है, एक को हेड इंजरी है। अभी हॉस्पिटल से आ रहा है, यशोदा हॉस्पिटल में। हालांकि खतरे से बाहर है, सिटी स्कैन हो चुका है जो उनके सर में है जो, और सिटी स्कैन उनका क्लियर आया है, लेकिन उनके नाक और मुंह से खून आया हुआ है, इसलिए वो आईसीयू में रखे गए हैं। जिनके पैर में फ्रैक्चर है वो लेट पड़ेगी उनकी 6-7 दिन बाद अभी, लेकिन 2 दिन उनको भी हॉस्पिटल में रहना है। अभी हम लोग ये पता कर रहे हैं कि अभी जो अंदर रहने के लिए कंडीशन है वो सेफ है या नहीं। 2 कमरों में हल्की दरारें हैं, तो जो इंजीनियर हैं वो आए हुए हैं, वो उसको सर्टिफाई करेंगे। अगर वो सर्टिफाई करते हैं तभी हम लोग जवानों को इसमें रहने की अनुमति देंगे। और अभी जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, किसकी कमी से ये हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर अभी पता कर रहे हैं कि कौन थे इसमें, और जो भी कार्रवाई होगी वो आज ही हम लोग शाम तक डिसाइड कर लेंगे।